सभी सनातन धर्मी प्रेमी को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। आज जो हमने अपने गांव ततरई में जो मीटिंग रखी है और हमारे जितने शास्त्रीय परिवार के लोग हैं, गायक कलाकार हैं, वो आज सब लोग यहां हमारे घर पर ग्राम ततरई में उपस्थित हैं, यानी मुकेश शास्त्री जी जो जलालाबाद से आए हुए हैं और श्रीमान आदेश शास्त्री जी और धर्मेंद्र शास्त्री जी और भोले शास्त्री और चांदेश्वर शास्त्री, सीटू शास्त्री, सुनील शास्त्री और भी हमारे यानी बैठे हैं ब्रजबीर शास्त्री और भी हमारे जितने भी सम्मानी लोग हैं बैठे हैं, प्रधान जी हैं और हमारे नाम के हाँ जो यानी मुकेश शास्त्री जी हैं उनके पिताजी भी मौजूद हैं। तो जितने हमारे शास्त्री परिवार को चाहने वाले लोग हैं और सब लोग यहाँ आए हैं जो सनातन धर्म के लिए, जो ये बुद्ध धर्म वाले लोग जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और पता नहीं कैसी कैसी वीडियो डाल रहे हैं हम, तो हम उसी शब्द बोलना चाहते हैं। यहाँ से अगर कोई शब्द निकले, कोई ऐसा मैं तो निकले, यहाँ से अगर कोई चीज़ जाए घर से तो समाज में थोड़ा फर्क हो, अंतर हो। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे और सभी अपने शास्त्री भाई लोगों से कि आप लोग सनातन धर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा कुछ बोलें, आगे क्या होगा वो देखते जाएं। भोले शास्त्री जी से अनुरोध करेंगे हम, आप लोग आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। सभी भक्तों को श्री राधे। आए हुए हमारे सभी सम्मानित कथावाचक बंधु बड़े भाई सबको प्रणाम और देखने वाले सभी सनातन धर्मियों को भी हमारा प्रणाम। ये जो अभी YouTube के द्वारा जो आप लोग देख रहे हो सनातन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक कुछ भी बोला ठीक है, मैं आपके धर्म, वैसे धर्म तो सब एक ही हैं और सब हमारे लिए बराबर हैं, पूजनीय हैं जी जी। और मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर कोई ऐसी बातें ना आप फैलाएँ, क्योंकि हम लोग धर्म प्रचारक हैं, जब इस प्रकार की बातें करेंगे तो जनता के लिए हमारा संदेश क्या जाएगा। सही बात। जनता क्या सोचेगी कि जब हम लोग अभद्रता की बातें करेंगे, हम लोग आपस में लड़ेंगे, तो जो समाज के बारे में बोलना चाहेंगे, समाज की कुरूतियों को दूर फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो आज तक जो भी बोला है धर्म के पीछे जो विवाद है, हमारे लिए बुद्ध भगवान पूजनीय हैं, राम पूजनीय हैं, बाबा साहब पूजनीय हैं, कोई इस प्रकार की बातचीत न करें जिससे समाज में अभद्रता फैले। और बाकी आप लोग अपने धर्म का प्रचार कीजिए और हम लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सही है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। बस अपने धर्म का प्रचार करो, हम लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बस मैं जैसी जिसकी इच्छा है भाई, यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार करिए, हम लोग आपके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, न कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आप लोगों को बुरा लग जाए। इसलिए मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग अपने धर्म का प्रचार कीजिए, जनता को अच्छा संदेश दीजिए। आप लोग जो बातें आप लोग बुराइयां करने में लगा रहे हो, जितना दिमाग बुराइयां करने में लगा रहे हो, उतना ही दिमाग अगर जनता को सुधारने में, जनता के लिए अच्छा संदेश पहुंचाने में लगाएं, तो शायद हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।